संदेश है कि प्रार्थना करके अगले स्तर पर जाओ, भावना के स्तर पर नहीं रहना। संतों का कार्य भाव के स्तर पे होता है सर। तो भावना छोड़ दे तो आनंद ही है सर, और बापू जी का वहाँ रहने का उद्देश्य समझ लीजिए। जो दुर्जन है उनके पाप परिपूर्ण हो जाए ताकि उनका नाश हो जाए। भगवान ने भी सौ पाप होने तक रुके थे ना, फिर असुरों का नाश किया। तो बापू का उद्देश्य यह है, ये उद्देश्य समझ में आया तो समझ में तो कितने महान है, फिर चिंता वगैरह कुछ नहीं होती। संतों को स्थूल देह का कुछ नहीं लगता, मनोदेह का कुछ नहीं लगता, मन है ही नहीं उनका। सच्चिदानंद अवस्था में होते हैं, लेकिन भक्त अभी अभी का उदाहरण है ना। बापू की स्थिति का तुरंत में प्रेरण में सब मालूम है, लेकिन आपको सबको आनंद की अनुभूति आई ना, तो वो सिखाइए भक्तों को। बापू जी के प्रति भाव हो ना, भाव में आनंद ही होता है। भाव जागृत होना चाहिए, गुरुदेव का स्मरण किया तो आनंद ही आनंद। फिर माया के विचार नहीं करे, वो कहाँ है, क्या कहते हैं, तबियत कैसे, विचार नहीं होते। उससे क्या होगा, एक दुख तो जाएगा उनका, और उनके आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी जो बापू जी को अपेक्षित है। होते रहते तो गुरुदेव को क्या लगता है, सब साधना में आगे जाए ना, नहीं तो उधर ही उधर रह गए। फिर समाज के लोग और शिष्य आदर में फर्क क्या रह गया। वही उन्हें मालूम होना चाहिए बापू जी की सब माया है। अभी सीता 14 साल थी ना रावण के यहाँ, तो प्रभु राम खुद अवतार थे ना, क्या किया क्या, खुद तो उन्हें मालूम होता है माया इस पर। भक्तों का स्तर ही आप बढ़ना चाहिए। अरे साधना करे, बापू जी ने जो बताया ना वही। आपको दुख होता है क्या, नहीं होता है। हाँ तो इतना उदाहरण है आपके सामने, देह में विराजते हैं। हाँ लेकिन जब आगे आगे जाते हैं ना, देह का क्या, आज नहीं तो कल सबको देह छोड़ना है, वो माया का ही है ना, उसका विचार किसके मन में आता नहीं। फिर अभी जो आपने बापूजी का विचार किया तो आनंददायी था ना, उस समय देह का विचार आया क्या, उस स्थिति में हमेशा रहे ना तो आनंद ही आनंद। तो आप साधना सीखाइए ना कि भावना के स्तर से आगे कैसे जाना। बापू जी को सबसे ज्यादा आनंद उसमें होगा कि मेरे हजारों शिष्य अब आगे गए, देख के और उनका ध्यान नहीं रहता है कभी। वही है कि जब आगे जाता है ना, आपने जो दुर्जन है जिन्हें नष्ट करना है, हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाना है, तो उनके सौ जो गलतियाँ होती है वो पूरी नहीं होती तब तक बापू जी बाहर नहीं आएंगे। वो होगी तो उनका नाश होगा, तो फिर बापू जी तो मुक्त है।